हेलो गाइज वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल और आज आपका डे फोर्टी सिक्स और मेरा भी सेवेंटी फाइव आर्थ डे चैलेंज का और आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बुक समरी द साइकोलॉजी ऑफ परसुएसन ठीक है इसमें हम टेक अवे जो हम डेली लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कैसे लोगों को मैन्यूपुलेट कर सकते हैं अपने काम को निकलवाने के लिए ठीक है कैसे लोगों को परसुएट कर सकते हैं कैसे लोगों को मेन्यू कर सकते हैं ये सारी बातें हम इस बुक में जानेंगे ठीक है इस बुक की समरी में टेन टेकअपे हैं जो आपको अपनी डेली लाइफ में हेल्प करेंगे आपका दूसरों से काम कैसे निकलवाएं उसके रिगार्डिंग ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं ठीक है द फर्स्ट टेकअपे इज़ इज़ रेसिप्रोसिटी मीन्स पीपल हैव नेचुरल टेंडेंसी टू रेसिप्रोकेट प्रोकेट बहन डज समथिंग फॉर दैम ठीक है यूटिलाइज दिस प्रिंसिपल बाय ऑफरिंग फेवर्स और प्रोवाइडिंग वैल्यू बिफोर मेकिंग अ रिक्वेस्ट ठीक है देखो मैं आपको इसके लिए एक एग्जांपल देना चाहता हूँ ठीक है अगर आपका कोई क्लाइंट है अगर यहाँ पर आप किसी भी बंदे को अपना क्लाइंट बनाना चाहते हो ना तो ऑलवेज हेल्प देम इन द स्टार्टिंग फर्स्ट इन द स्टार्टिंग फर्स्ट पेज गिव देम वैल्यू फिफ्टीन मिनट वन आवर एक घंटे आप वैल्यू पंद्रह मिनट वैल्यू दोगे ना प्रॉपर आपके कंटेंट के थ्रू या फिर आपके कॉल सेशन के थ्रू वन टू तो वन कॉल सेशन के थ्रू उनके फिगर आउट करोगे उनकी क्या प्रॉब्लम्स है पर उसके बाद आप आपकी प्रोडक्ट को पिच करोगे ना तो ऑटोमेटिकली दे आर गोइंग टू बाय योर प्रोडक्ट ठीक है तो इसमें आप पर्सनल अगर रिलेशनशिप में भी आप इस ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है ठीक है और आप किसी भी डोंट लेट एनी रिलेशनशिप देखो आप ओनली देखो लेना 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 हमेशा नहीं होता ठीक है स्टार्टिंग में गिव गिव रहता है आगे दीजिए फिर लीजिए ठीक है उस तरीके का सिस्टम रहता है हर एक तरीके से आप एक दिमाग गार्ड बांध लो अगर आपको आगे जाना ना तो गिविंग देखो अगर आप किसी से कुछ काम निकलवाना चाहते हो पहले आपको देना पड़ेगा या तो समय दो या फिर थोड़ा बहुत चीज़ें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप कंसिडर uh, कर सकते हो ठीक है सेकेंड कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी ठीक है ये आपके क्लाइंट कोई भी किसी भी क्लाइंट आप आ, से काम करना चाहते हो या फिर उसको अपग्रेड करना चाहते हो या फिर उसको और कोई सर्विस सेल करना चाहते हो या फिर आपके रिलेशनशिप में प्रॉपर आगे बढ़ना चाहते हो तो ये दो चीज़ें तो आपको हमेशा लगेंगी कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी पंस पीपल कमिट टू समथिंग दे आर मोर लाइकली टू स्टे कंसिस्टेंट विद द कमिटमेंट एनकरेज स्मॉल कमिटमेंट टू पे द बेब फॉर लार्जर एग्रीमेंट्स ठीक है अगर आप छोटे छोटे कमिटमेंट करवा पाओगे आपके क्लाइंट्स से या फिर आपके रिलेशनशिप में तो ऑटोमेटिकली यू आर गोइंग टू हैव अ लॉन्ग रिलेशनशिप मीन्स आप लॉन्ग टर्म तक लॉन्ग टर्म समय तक आपके क्लाइंट को भी होल्ड कर पाओगे और रिलेशनशिप को भी मैनिपुलेट कर पाओगे ठीक है uh, सॉरी ये दो गलत बर्ड यूज़ कर लिए मैनिपुलेट मतलब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रह पाओगे तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि कमिटमेंट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू कमिट टू योर क्लाइंट एंड देन योर क्लाइंट विल कमिट फॉर यू ठीक है तो ये चीज़ें रहती हैं और कंसिस्टेंसी लगातार आप लगातार वैल्यू ऐड कीजिए आपके रिलेशनशिप में आपके क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप में पर्सनल रिलेशनशिप में ठीक है तो ऑटोमेटिकली यू आर गोइंग टू हैव सम बेनिफिट्स इन योर बिजनेस और एज वेल एज इन रिलेशनशिप यू विल सी ग्रेट थिंग्स ठीक है थर्ड सोशल प्रूफ पीपल टेन टू फॉलो द एक्शन ऑफ अदर्स स्पेशली इन अनसर्टेन सिचुएशन हाईलाइटिंग द पॉपुलरिटी ऑफ बाइड स्प्रेड एडोपेशन ऑफ अ प्रोडक्ट और आइडिया कैन इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग ठीक है अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि देखो अगर आप कोई भी आपका नया कस्टमर आपके साथ जुड़ना चाहता है ठीक है या फिर आपका कोई कोर्स है या फिर कोई भी पर्टिकुलर चीज़ है आपकी कोई भी सर्विस है कोई भी प्रोडक्ट है <laughs> अगर आप उसको फर्स्ट टाइम वो आपके साथ जुड़ा है ठीक है तो आप उसके लिए एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखो कि आपके ओल्ड कस्टमर का जो डाटा है उसको शो करो कि हाँ मिस्टर जे इन मिस्टर ने हमारे यहाँ से खरीदा मिस्टर सैदी मिस्टर शर्मा उनके बारे में बताइए कि उन्होंने भी इस प्रोडक्ट को बाय किया उनकी लाइफ में क्या रिजल्ट आए तो वो एक सोशल मीडिया प्रूफ रहता है ना और उसको ऑल ऑर्गेनिकली आपको हेल्प करेगा आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा आपके क्लाइंट को कन्वर्ट करने में और आपके रिलेशनशिप में ठीक है तो इस बात का ध्यान रखो कि सोशल कंडीशन में अपने आप को ऐसे ढाल के रखो कि ऑटोमेटिकली कोई भी बंदा आपके साथ कनेक्ट हो रहा है ना तो ऑटोमेटिकली आपको वैल्यू करे ठीक है फोर्थ ऑथोरिटी तो हार देखो सबसे पहले ये सबसे मतलब इम, इम्पोर्टेंट चीज़ों में से एक चीज़ है कि ऑथोरिटी जब तक आप लगते नहीं हो कि आप प्रॉपर बिजनेस कर रहे हो प्रॉपर आप कमिटमेंट देना चाहते हो एक मतलब फर्जी बंदे नहीं हो इस बात को क्लियर करो अपने आप को ऑथोरिटी लाओ पीपल आर मोर लाइकली टू कम्पल विद रिक्वेस्ट फोर फ्रॉम दोज हु परसिद्ध ऑथोरिटीज जिनके पास ऑथोरिटीज़ हैं उनके साथ ही लोग काम करना चाहते हैं उनके साथ ही प्रॉपर रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं एस्टेब्लिश एंड सोकेस योर एक्सपर्टीज और क्रडेंशियल टू एनहेंस योर परसिविजनेस ठीक है अगर अपने आप को सोशल मीडिया पर अगर आप अच्छी ऑथोरिटी बुल्ड कर पाओगे ठीक है आपके बिजनेस के रिगार्डिंग तो ऑटोमेटिकली यू आर गोइंग टू हैव मोर कस्टमर्स ठीक है लाइकिंग ये एक कॉमन पार्ट है बट मोस्ट लोग इसको छोड़ देते हैं कि पीपल आर मोर इजीली इन्फ्लुएंस बाय दोस्ट दे लाइक ठीक है बिल्डिंग रेपोट एंड फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द सक्सेस ऑफ योर एफर्ट्स ठीक है इस बात से समझो कि जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हो ना जिन लोगों को आप आ, आ, आप कन्वेंस करना चाहते हो आपके रिगार्डिंग आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग या फिर आपके इन्फ्लुएंस आप उन पर मनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको प्रॉपर उन वो क्या पसंद करते हैं उसके रिगार्डिंग आप में और उनमें कॉमन चीज़ क्या है आपका फेवरेट प्लेयर क्या है ठीक है तो मूवीज़ से स्टार्ट कर सकते हो क्रिकेट से स्टार्ट कर सकते हो और वो क्रिकेट पसंद करते हैं तो उनका फेवरेट प्लेयर क्या है तो क्रिकेट के रिगार्डिंग बात करोगे ठीक है तो ये छोटी छोटी बातें रहती हैं कि ये बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करती है सामने वाले के माइंड में जो कि आप जिससे भी काम निकलवाना चाहते हो ठीक है लोग उसी के साथ काम करते हैं जिनको जो पसंद करते हैं ठीक है और जी तब लोग तभी पसंद करते हैं जब उनमें कुछ कॉमन चीजें तो वो आपको शोकेस करना पड़ेगा ठीक ठीक है है द आइडिया दैट समथिंग इज मोर डिजायरेबल वेन इट्स प्रसिब्ड एज अ रेयर और इन शॉर्ट सप्लाई ठीक है हाईलाइटिंग द लिमिटेड एबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी कैन इंक्रीज द परसिप्ड वैल्यू ठीक है ये देखो मैं आपको यहाँ पे एक थोड़ा उसका मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ एक टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग ठीक है नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग कैसे करते हैं अरे भाई मैंने तेरे लिए एक सीट बुक कर रखी है भाई ट्राई करना कि पॉसिबल हो कि तू आ पाए मैं सर से बात करवा पाऊँगा सर किसी भी बंदे से बात नहीं करते ठीक है ये पिच मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो आपने कही कहीं ना कहीं एक ना एक व्यक्ति के साथ नेटवर्क मार्केटिंग के बंदे के साथ कनेक्ट हुए होगे और अगर उनके साथ कनेक्ट हुए होगे तो आपको ये चीज़ पता होगी क्यों क्योंकि ये चीज़ें रहती है ना कि लोग ऑटोमेटिकली उनसे कनेक्ट करते हैं जो उनके लिए कुछ कर रहे हैं ठीक है समझ लो ना जो चीज़ कम होती है उसको ये अंदर डिज़ायर करते हैं ठीक है तो इस बात से हमको सुनना आपके प्रोडक्ट की आप स्केर क्रिएट कर पाओ ठीक है कि सर कम प्रोडक्ट है और भी बायर हैं कोई भी प्रॉपर्टी हो या पर कुछ भी किसी भी फील्ड में हो आप ठीक है सर इसके चार पांच बायर भी हैं अगर आप बोलो अगर आप कुछ टोकन के फाइनल करना चाहते हो और बाकी पेमेंट आप बाद में कर सकते हो तो ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा तो ऐसा रहता है ठीक है मैं आपको एक एग्जांपल और देना चाहता हूँ कि मेरा एक दोस्त है ठीक है मिस्टर रघुवंशी करके लेके चलते हैं ठीक है मिस्टर रघुवंशी मेरे एक दोस्त हैं ठीक है वो क्या करते हैं देखो वो ब्रोकिंग का काम करते हैं ठीक है ब्रोकर आप समझते हो रियल इस्टेट ब्रोकर ठीक है वो रेंट पर किराए से कमरे लगवाते हैं ठीक है फ्लैट लगवाते हैं ठीक है उनकी नज़रों में प्रॉपर्टी आती है वो सोशल मीडिया पर डालते हैं और उनके पास चार पांच फोन आ जाते हैं तुरंत चार पांच फोन आए उनको प्रॉपर्टी शोकेस करी एक या दो क्लाइंट उनके पास आ गए ना तो उनको ऐसे पिच करते हैं उस प्रॉपर्टी को पहले लाइकिंग जो मैंने पाँच पॉइंट बताया ना वो तो फॉलो ही करते हैं वो ठीक है उसके साथ साथ एक स्कैर चटी कर देते हैं सर आप बाय करोगे तो ठीक है नहीं सर दूसरा भी ऑप्शन है और आप बाय करना चाहते हो आपको प्रॉपर्टी पसंद आ चुकी है अगर आप बाय करना चाहते हो ना तो आप एक टोकन अमाउंट जमा कर दीजिए पाँच हज़ार रुपये चार हज़ार रुपये भले ही आप दो तीन दिन बाद सेफ्ट कर लेना एक वो टोकन अमाउंट रहता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि सामने वाले ने देख लिया कि एक छोटा सा पेमेंट करती है तो बाकी पेमेंट वो ऑटोमेटिकली कर देगा सेवन्थ यूनाइटी ठीक है पीपल आर मोर लाइकली टू बी इन्फ्लुएंस हु दे आइडेंटिफाई विथ और सी एज पार्ट ऑफ देयर ग्रुप एम्पसाइज कम्युनिटीज एंड सेड गोल्स टू स्ट्रेंथन योर इन्फ्लुएंस ठीक है अब मैं आपको बताता हूँ ठीक है मैं जिसकी मेरे डिजिटल मार्केटिंग में एक क्लाइंट थे ठीक है तो उनकी कॉमन गलती क्या थी कि उन्होंने पहले जो डिजिटल मार्केटिंग में Uh, मेरी एज, uh, मेरी एजेंसी थी ना, ना पहले मेरी एजेंसी थी डिजिटल मार्केटिंग में अभी मैंने बंद कर दी है वो ठीक है क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता अभी मैं जॉब कर रहा हूँ ठीक है तो उनके साथ क्या दिक्कत की थी जो फास्ट में उनके डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के साथ आ, दिक्कत क्या थी कि उन्होंने पैंतालीस हज़ार रुपये मंथली पे कर रहे थे ठीक है प्रोडक्ट्स के लिए वो सोशल मीडिया मैनेज करने के लिए वीडियो एडिटिंग वगैरह के लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए ठीक है तो उनको वो रिज़ल्ट नहीं आ रहे थे और उन्होंने मेरे साथ काम करना चालू किया मैंने पैंतालीस हज़ार चार्ज नहीं कर मैंने पच्चीस हज़ार रुपये चार्ज किया ठीक से है सेम मंदे से और उसको बेटर रिज़ल्ट निकाल के दिए जो पैंतालीस हज़ार रुपये कर रहे थे तो उनका पुराना जो माहौल था पुराना एक्स बैड एक्सपीरियंस था वो उनको उन्होंने मेरे साथ शेयर किया और मैंने उनसे किया हाँ एग्री सर ऐसा ही होता है माहौल क्योंकि जिनको आप जानते नहीं जिन पर आप विश्वास नहीं विश्वास करके प्रॉपर काम करते हो ना तो आपके साथ हो जाता है ऐसा तो आपको हमेशा प्रॉपर जज करना चाहिए ट्रायल लेना चाहिए रिजल्ट लेना चाहिए उसके बाद करना चाहिए तो फिर उसके बाद वो मेरे क्लाइंट बने रहे छः महीने तक मेरे क्लाइंट बने रहे थे तो इस तरीके से रहता है प्रॉपर आप यूनिटी से आपके अंदर क्या कॉमन चीज़ है उसको आइडेंटिफाई कराओ आपके क्लाइंट है उनके बारे में बताओ कि हमारे जी क्लाइंट का ग्रुप है अगर आप ऐड हो जाओगे तो आपको भी समझना पड़ेगा ठीक है जो भी आपको समझ में आए आपको कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वायरी रही आप जब भी टाइम में आप मेरे को कॉल कर सकते हो उस बे में आपको इन्फ्लुएंस करना रहेगा ठीक है एट्थ कॉन्ट्रास्ट पीपल कॉन्ट्रास्ट पीपल मीन्स पीपल एंड परसीव थिंग्स बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्ट ऑफ वॉट दे हैव रिसेंटली एनकाउंटर्ड प्रजेंटिंग ऑप्शन इन न स्ट्रेटेजिक ऑर्डर कैन इन्फ्लुएंस परसेप्शन ऑफ ईच ऑप्शन ठीक है समझो इस बात को <coughs> मतलब अभी रिसेंटली उनके साथ अगर कुछ गलत हुआ है ठीक है तो अगर वो अगला कोई कदम लेने वाले हो ना तो दस बार सोच कर ही वो कदम रखेंगे तो इस बात को समझो ठीक है तो ऑटोमेटिकली उनके पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में बात करो और पास्ट एक्सपीरियंस से रिलेटेड हाँ सर कभी कभी होता है हमारे साथ उस बे में उनसे बात करोगे ना ऑटोमेटिकली फिर वो उनके सा, आपके, सा, आपके साथ काम करेंगे ठीक है नाइन्थ इमोशनल ट्रिगर ट्रिगर हर आदमी के इमोशनल ट्रिगर्स रहते हैं इस बात को समझो ठीक है जिस आदमी के इमोशनल ट्रिगर होते हैं ना तो उनको यूज़ करके आप अपने के बेनिफिट में यूज़ कर सकते हो सामने वाले को मैनिपुलेट कर सकते हो इमोशंस प्ले आ सिग्निफिकेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग अपील टू इमोशन इम्पेक्टी टू इनहस पर्सिवनेस ऑफ योर मैसेज ठीक है आप सामने वाले से आप क्या काम निकलवाना चाहते हो वो डिपेंड करता है ठीक है तो उनके इमोशंस हैं ना उन पर ट्रिकर करो आदमी आदमी कभी भी लॉजिकली प्रोडक्ट बाय नहीं करता इमोशनल बेस पर बाय करता है ठीक है एक इमोशन आप उनके साथ कनेक्ट कर पाओगे तो आप ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट को सेल कर पाओगे टेंथ अंडरस्टैंडिंग रजिस्टेंस एक्नोलेज एंड एड्रेस रजिस्टेंस देन इग्नोरिंग एक्नोलेज ऑब्जेक्शन एंड प्रोवाइडिंग काउंटर पॉइंट्स कैन स्ट्रेंथन यू ओवर ऑल परस्यूवर स्टडी अब सामने वाले बोलेगा सर हाँ होता है आप अच्छे रिजल्ट निकल जाओगे बट सर अभी तय नहीं है मेरे पास ये वो फलान डाना सत्रह चीजें बोलेगा आपका क्लाइंट सत्रह एक्सक्यूज़ देगा अब उससे क्या डील कैसे करना है हर कोई लड़की लड़ रिलेशनशिप में आने से पहले सत्रह नकरे बताती है ठीक है तो उसके से कैसे डील करोगे उसके लिए आप उससे उस, पहले तो उस उसके पॉइंट से एग्री करो एक बार उसके पॉइंट से एग्री कर जाओगे ना फिर ऑटोमेटिकली आप आगे बढ़ के उस चीज़ को कन्वेंस कर पाओगे कन्वे कर पाओगे और फिर आगे चल के आप बात कर पाओगे ठीक है दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही आप सबसे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अलविदा हिंद बदने मातरम